नमस्कार दोस्तों, ऑल सॉर्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम वैगनआर का इंजन ऑयल बदलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑयल रेंच इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑयल फिल्टर निकालने के लिए। ऑयल को पूरी तरह से ड्रेन कीजिए। जैसे पूरा ऑयल ड्रेन हो जाएगा, नया ऑयल फिल्टर लगाओ। और आपको वापस ऑयल रेंच इस्तेमाल करना पड़ेगा और अच्छी तरह से ऑयल रेंच से ऑयल फिल्टर को टाइट कीजिए। और अभी आपको पीछे का नट निकालना पड़ेगा। और यहाँ से भी आपको पूरा ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा। जैसे ऑयल पूरा ड्रेन हो जाएगा, नट को वापस लगाओ। और आपको इंजन ऑयल हर 10,000 किलोमीटर के बाद में आपको इंजन ऑयल बदलना पड़ेगा। और अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग mm का स्पैनर लगेगा, तो उस हिसाब से आप देख लेना। और वैगनआर पेट्रोल के लिए आपको 3.1 लीटर का इंजन ऑयल लगेगा। एक बार आपका ऑयल डाल के हो जाने के बाद आपको ये जो ऑयल लेवल चेकर है और उसको निकाल के लेवल चेक करो। ये दो डॉट के ऊपर जैसे आपका इंजन ऑयल आ जाएगा, उसका मतलब आपका इंजन ऑयल बराबर से डाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to All Sorts and click on the bell icon.